तो भैया भारत अभी तक 6 मैच जीत चुका है इस वर्ल्ड कप में, लेकिन अभी तक सेमीफाइनल का टिकट नहीं मिला है भारत को। आखिर क्यों भाई, कितना मैच खेलना पड़ेगा जिसके बाद भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा? क्या आपके माइंड में भी सवाल चल रहा है? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले, वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ल्ड कप 2023 की अब तक की सबसे सफल टीम भारत रहा है। टूर्नामेंट के दौरान विजय रथ पर सवार रोहित शर्मा की टीम ने अभी तक 6 मुकाबले खेले और हर बार विपक्षी टीम को जीत का छक्का लगाया है। हालांकि इसके बावजूद भारत अभी तक सेमीफाइनल का टिकट हासिल नहीं कर पाया है। ऐसे में फैंस के जहन में सवाल उठ रहे हैं कि टीम इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए आखिर कितने अंक और चाहिए। वर्ल्ड कप 2023 राउंड रोबिन फॉर्मेट में खेला जा रहा है, जिसमें हर टीम को टूर्नामेंट की बाकी टीमों के खिलाफ ग्रुप स्टेज में एक एक मुकाबला खेलने को मिलता है। अगर यह टूर्नामेंट ग्रुप फॉर्मेट में खेला जाता तो शायद भारत इसके आधे मैच जीतकर भी सेमीफाइनल में पहुंच जाता। मगर राउंड रोबिन फॉर्मेट की खूबसूरती ही यही है कि ना तो 6 में से 6 मैच जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंची और ना ही 6 में 5 हारने वाली टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हुई है। वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल का कंफर्म टिकट हासिल करने के लिए फिलहाल हर टीम को 14 अंक की दरकार है। दरअसल पॉइंट टेबल के टॉप 4 में मौजूद प्रत्येक टीम 14 अंक तक पहुंच सकती है। वहीं अन्य 6 टीमों में अफगानिस्तान ही ऐसी टीम है जिसके पास अभी भी 12 अंक हासिल करने का मौका है। ऐसे में सेमीफाइनल का बर्थ कंफर्म करने के लिए टीम को 14 अंकों तक पहुंचना होगा। भारत का अगला मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ है। अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो वह सेमीफाइनल का टिकट कंफर्म कर लेगा। हालांकि इससे पहले भी भारत को सेमीफाइनल का टिकट मिलने की संभावनाएं हैं और ये काम और कोई नहीं बल्कि न्यूजीलैंड कर सकता है। दरअसल टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका मुकाबले से एक दिन पहले साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड मैच खेला जाना है। अगर इस मुकाबले में कीवी टीम हार का सामना करना पड़ता है तो भारत को सेमीफाइनल का टिकट 12 अंक पर ही मिल सकता है।